सारे भाइयों ने मारी राम राम। बिना रोक बिना टोक हम पहुंचे हाँ गांव राजपुरा बैण में, जी नासी रोड के पास एक खेतों में कुछ मतलब महिलाएं और मतलब यहाँ नौजवान इकट्ठे हुए हैं और यहाँ धुआं भी उठने लग रहा है। तो हम अपना चल के दिखावांगे इसकी सच्चाई के है, युक्ति कारण है किस तो धुआं हो रहा है। तो जी हम यहाँ नजदीक में आए हैं, नजदीक में आकर के देखा महाराज जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। ये अभी हम पूछते हैं मतलब ये एक बार मतलब ये पूरी वो दिखाइए। तो जी ये जो मतलब डेरियों के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी वीडियो में, ये महाराज जी एक तपस्या पर बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल इन डेरियों के बीच में महाराज जी एक तपस्या कर रहे हैं और तपस्या के बीच में महाराज जी बैठे हुए हैं। तो हमें अभी यहाँ पे कुछ युवक हैं उनसे बातें कराएंगे। ये जो तपस्या कर रहे हैं ये कितनी मतलब उपल्या की जो डेरी है कितनी डेरियां हैं, कितनी डेरियों के बीच में तपस्या कर रहे हैं। हम अभी महाराज जी से मतलब कुछ यहाँ भगत हैं जो आशीर्वाद ले रहे हैं, अभी महाराज जी से बात करने की हम कोशिश करेंगे। अभी ये आप कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे खड़ा होकर कर लूंगा। ये उधर ले जाओ महाराज जी। नमो नारायण। ये बताओ जो आप तपस्या कर रहे थे गर्मी के अंदर, मतलब तपस्या कुछ तो जो आपके मतलब देरियां है जो मतलब उपलों की बनाई गई है उनकी गर्मी और बाहर की गर्मी, कोई मतलब तपस्या करते हुए आपको कोई महसूस नहीं हो रहा? नहीं, उस समय तो ध्यान कहीं और होता है भजन में, तो वो गर्मी महसूस हो तो मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ, बाहर ही आ जाऊं उठ के उसमें से, तो उस टाइम ध्यान कहीं और होता है, उसमें लीन होते हैं। बाकी मुझे तो उसमें ठंड महसूस होती है, सही मायने में पूछा जाए तो, जैसे ठंड में जलधारा करता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है जैसे रात को मटके डलते हैं, जैसे गर्मी है रजाई में बैठे हूँ, अरब ऐसा लगता है जैसे शांत बैठे हूँ, उस टाइम अपने मंत्र का स्मरण करते हैं, उस टाइम हमें इस चीज का पता नहीं होता। बाकी ये तप है, घट योग है, हमारे पंथ के उदासीन पंथ के सभी महात्मा करते आए हैं, नाथ पंथ भी करते हैं, महात्मा साधु जो अपनी तपस्या है ये तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो हमारे दर्शक हैं जो आपके मतलब भगत हैं हमारे, कुछ भक्तों का कहना था कि महाराज जी से ये पूछना कि ये कौन से पंथ से हैं, कहाँ से हैं, तो इसके एक बार पूरी जानकारी दी। मैं दो बार आपको बता चुका हूँ कि मैं उदासीन पंथ से हूँ, जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का पंथ है, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, जो श्री नानक देव जी के, नानक साहब जी के लड़के थे। और मैं तो ये कहता हूँ जो आए हैं इसमें वो सभी आशीर्वाद लेने के आए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वो यहाँ आशीर्वाद ही है महात्मा जी के पास। और जो सच्ची श्रद्धा से और भाव से आएगा, मैं तो कहता हूँ उसके मन में भी कोई बात होगी ना तो वो पूरी होगी, अगर उसका सरदार विश्वास है तो, चाहे कोई भी आ जाइयो। और एक चीज और मैं सबको बताऊंगा, यहाँ किसी प्रकार की दवाई नहीं दी जाती है, कोई गंभीर समस्या है बीमारी है डॉक्टरों से जरूर दिखाएं, हमारे आशीर्वाद से भी आपको आराम लगेगा, ये छोटी मोटी बीमारियां उसमें तो सभी स्वस्थ होंगे, लेकिन सरदार विश्वास होना जरूरी है, किसी से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। सरदार से शिव का मंदिर बनाना है कोई कुछ भी डाल दो,
एक तो यहाँ किसी तरह की कोई भ्रमित हो भाई दवाई नहीं दी जाती है, डॉक्टरों से अपना इलाज कराएं, जैसे कैंसर है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, एड्स हैं, आते थे हमारे पास भी, तो दवाई का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, ना हम दवाई देते हैं। वो डॉक्टर जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने सर्च किया है, उसमें वे मास्टर हैं, तो उन्हीं से जो बड़ी बीमारियां हैं उन्हीं से इलाज कराएं भाई। हाँ, यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए, जो ऐसे पारिवारिक समस्याएं हैं, 80% जितने बैठे या समाज हैं पारिवारिक समस्याएं हैं, उनका अगर भाव श्रद्धा से आप आओगे तो जरूर समाधान होगा। जैसे परिवार में पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों की उनकी नहीं बनती, हाँ ये जरूर कहता हूँ मैं, परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, वो आपकी माने, आप भी उनको प्यार दें। जो गलतियां हैं वो देखो, अच्छी जगह जाओगे, अच्छे विचार सुनोगे तो परिवर्तन होगा। परमात्मा कहाँ, आपके अंदर ही तो है। जिस दिन वो जागृत हो गया, जिस दिन वो जोत लगी, तो आपको सब में प्रेम दिखेगा, आपके बच्चों में दिखेगा, जो समाज में रहते हैं उनमें दिखेगा। मैं तो ये कहता हूँ, बड़ों की सेवा करो, छोटों से प्रेम करो, और अपना काम छोड़ के मेरे पास मत आना, मैं यहीं पाऊंगा, ये बावड़ा फकीर यहीं मिलेगा। एक दिन आगे पीछे आ सकते हो, हर शनिवार एतवार सोमवार तपस्या के बाद मैं पूरे साल यहाँ बैठूंगा, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक कोई किसी भी समय आकर मिल सकता है। और जो बड़ी बीमारियां, मैं ये नहीं कहता, यहाँ से भी आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आप डॉक्टरों से भी इलाज अवश्य कराएं। डॉक्टरी इलाज जो चाहिएगा, मैं खुदा नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह की इंसान हूं, पर परमात्मा चलो इस पागल फकीर के हाथ से भी किसी का कल्याण हो जाए, करने वाला वो मालिक ही है। जो डॉक्टरी इलाज है वो डॉक्टरी कराएं, और यहाँ भी आए आशीर्वाद लें। और ये कहते हैं जाड़ा जाड़ा जुड़ा नहीं भाई, ये आशीर्वाद होता है साधु संतों का, जाड़ा क्यों है, जाड़ा कोई अच्छी जाड़ा नहीं होता। सत्संग यही है, अपने परिवार में कर्म को करो, गृहस्थी को संभालो, कर्म छोड़ दोगे तो सत्संग बिगड़ जाएगा या दुनिया ही बिगड़ जाएगी, कोई भी कर्म नहीं करेगा तो। ठीक है जी, नमूना तो महाराज जी, एक बार और मैं मतलब मैं थोड़ी जानकारी, मतलब जैसे आज के बाद मतलब कितने सोमवार और तपस्या करेंगे? ये अगले सोमवार की है, फिर एक सोमवार की और है, बुधवारों की ये उज्जैन चली हुई है, और शुक्रवार की राजस्थान में है, और सोमवारों की ये यहाँ, यानी कि 14 तपस्याएं हैं। तो महाराज जी, जो उपलों की डेरी है उसमें उपलों की संख्या कितनी बढ़ती रहेगी? हाँ, ये आगे भी बढ़ती रहेगी, जैसे अगली बार 27 उपले एक डेरी में और बढ़ाए जाएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भगत जन आए हैं, उनसे भी बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी भाई, मतलब आप किस लिए आए हो महाराज जी? तपस्या की, मतलब तपस्या देखने के लिए आए हो या किसी और पर्पज के लिए आए हो? जी, हम रामरा पिंडारा से आ रहे थे, और अचानक देखा कि कोई भगत जी यहाँ पे तपस्या कर रहा है, तो उसको देखने के लिए पिंडारा अमावस्या पर गए। हम आते आते हमें महाराज के दर्शन करने थे, फिर क्योंकि तपस्वी सोच के और उनका तपस्वी के दर्शन करके चलेंगे। बोलते हैं कोई कोई महाराज को तपस्या करता है उसको कुछ अच्छा आशीर्वाद मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल, आइए ना, ठीक करे आप जी। आंटी जी, आपको कैसा लगा महाराज जी यहाँ, मतलब तपस्या कर रहे थे, तपस्या में बैठे थे, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है, तपस्या दर्शन बहुत अच्छे लगते हैं, इनके चरणों में सब कुछ है, तपस्या सबके बस की बात नहीं है, इनका आशीर्वाद ही दवाई है। इन्हें कहीं भगवान का एक दूसरा रूप, तपस्वी तो तपस्वी है, तपस्वी के दर्शन करने ही मात्र से ही सब कुछ है, उनका आशीर्वाद सब कुछ है। बाकी वो महाराज जी बताते हैं विश्वास, विश्वास जैसे मिट्टी को भी भगवान माने तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है, गंगा माने तो गंगा, ना तो नदी है, बस वही है, तपस्वी है भगवान। तपस्वी के दर्शन करने मात्र से हम आए, पिंडार आए थे, यहाँ रस्ते में पता चला, दर्शन करके ही जाएंगे, आए हैं तो। हम और एक दो और बैठे हैं, उनसे बातें करते हैं अभी। आंटी जी नमस्कार, आप महाराज जी की तपस्या देखने के लिए आए हैं या और कोई काम से आए हैं? मैं तो अपने गुड़ने के उस पर आई हूँ। पहले भी आए थे? ना, बैठा जाना ना उठे जाना, मतलब शरीर में इतने वो तकलीफ हो रही है। एक महाराज जी का आशीर्वाद लेने के? हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए आए। मेरी आंटी के साथ। आंटी के साथ, तो जी ये भक्तों का कहना था, तो जी देश जी। अच्छा, इसका 4 साल हो गए, इसने बड़का के बारे में आई है।
शादी हो रही है। हाँ, इसकी शादी हो रही छोरी की, 4 साल हो गए। बच्चा की समस्या। हाँ, महाराज जी का मतलब आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, धर्मगढ़ के बारे में आई। पहली बार आए? हाँ, पहले भी आए थे? ना, आज आई हम तो पहली बार आए। बिल्कुल बिल्कुल से आए। हाँ, ले लो आशीर्वाद। थैंक यू जी। तो जी, अगली अपडेट तक बने रहिए। कैमरामैन सुमेश जांगड़ा के साथ, रिपोर्टर विजय निर्माण, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।